हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं हम हरिद्वार के, क्योंकि आने वाले 15 दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से हरिद्वार में क्या बंदोबस्त किए हुए हैं, आप हरिद्वार अगर जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं, और हरिद्वार में अभी मौसम क्या है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है। ज़्यादातर लोग हरिद्वार घूमने का प्लान बना रहे हैं और कुछ लोग बच्चों के साथ हरिद्वार में जा भी चुके हैं। तो आप क्या क्या चीज़ घूम सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं और फ्री में कहाँ रह सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार का मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है और हम अभी हरिद्वार के आउटसाइड में हैं। आप ये देख सकते हैं गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी भगवान की नगरी है, हरि की नगरी है। तो हरिद्वार में आने से पहले आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, आप सर्च करोगे तो ट्रेन से दिल्ली से कुछ 200 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार पड़ता है। आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, फोर व्हीलर से भी आ सकते हैं। कुछ लोग घूमने के पर्पस से आते हैं, वे लोग टू व्हीलर से भी आते हैं। तो जैसे ही हम ट्रेन से और बस के द्वारा अगर हम आते हैं, तो हम बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हम पैदल भी आ सकते हैं, और ये रास्ता पैदल ही है, कुछ 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। आप बाजार के दर्शन करते हुए, बाजार में होते हुए आ सकते हैं। अभी हम बाजार के द्वारा आ रहे हैं। दोस्तों, हरिद्वार अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरिद्वार में मैंने कहाँ कहाँ घूम सकते हैं सारी वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप डाली हुई है, जिसकी मैं आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए पूरा हरिद्वार भी घूम सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी पे हम पहले स्नान करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे। गंगा आरती करने के बाद हम हरिद्वार दर्शन करेंगे। तो अभी हम बाजार होते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी वाले रास्ते पर। तो हम हर की पौड़ी जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग हरिद्वार घूमेंगे और हरिद्वार इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये रास्ता है हर की पौड़ी, रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पर। आप गंगा आरती करेंगे, शाम को 7 बजे गंगा आरती होती है। 7 बजे के बाद आप गंगा आरती के दर्शन करने के बाद, दोस्तों काफ़ी श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में सभी अपनी फैमिली के साथ में घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल घूमने के लिए काफ़ी संख्या में लोग हरिद्वार आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ में यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। और दोस्तों, 15 दिन के बाद कांवड़ यात्रा भी, जैसे कि आपको पता है, शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा में कई करोड़ यात्री यहाँ पर, सैलानी यहाँ पर आते हैं। ये देख सकते हैं हरिद्वार की भीड़, ये सब गंगा माता की आरती के लिए तैयार हो रहे हैं। शाम को 7 बजे गंगा आरती होती है, और आप अगर यहाँ पर गंगा आरती करना चाहते हैं, गंगा आरती के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 5 बजे आने के बाद अपनी जगह ले लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भयंकर भीड़ यहाँ पर है। अगर अपनी फैमिली के साथ में अगर आ रहे हैं तो एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, आप गुम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फैमिली में दिक्कत आ सकती है। तो ये है
ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा हरिद्वार हर की पौड़ी के दर्शन में आपको करा रहा हूँ। सामने देख सकते हैं, आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा, सामने ये घंटाघर है। तो इस पे एक क्लॉक लगा हुआ है, चारों तरफ गंगा आरती की तैयारियाँ जोरों शोरों पर चल रही हैं। कुछ VIP आरती भी होती हैं जिसकी जानकारी आप मेरी दूसरी वीडियो से ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं हम आगे घूमने की। घूमने में अगर आप जाओ तो भारत माता मंदिर के साइड में आपको काफ़ी मंदिर देखने को मिलेंगे, जिस हर एक मंदिर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हरिद्वार की संपूर्ण वीडियो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि नहाते समय अपना और अपने बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप घूमने के लिए आ रहे हैं कोई अप्रिय घटना हो जाए। भगवान से प्रार्थना करूँगा अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो सकुशल आप यात्रा और दर्शन और स्नान करके अपने घर लौट जाएं। तो दोस्तों बात करते हैं अब गंगा आरती की। गंगा आरती करते समय काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। जैसे गंगा आरती ख़त्म होने की होती है तो आप वहाँ से एकदम ना चलें, थोड़ा वेट करके चलें जब तक वहाँ से भीड़ सारी निकल जाएगी। तो कुछ लोग मुंडन कराने भी आते हैं, ये नाई घाट हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे घाट बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस आपका सदैव आपकी सहायता के लिए खड़ी हुई होती है। आपको कभी भी कोई भी सहायता की अगर ज़रूरत है तो आप पुलिस के पास डायरेक्ट जाएं। तो अभी हम बात करते हैं आगे घूमते हैं और फिर देखते हैं और आगे आपको क्या क्या दिखाते हैं। तो दोस्तों हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद गायत्री तपोवन अब हम आ चुके हैं। गायत्री संस्कृत विश्वविद्यालय जो ऋषिकेश रोड पे पड़ता है, आप यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय घूमने के बाद गायत्री आश्रम तपोवन आश्रम भी घूमने आ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपका कोई टिकट भी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर घूम सकते हैं। जो संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री तपोवन इससे आगे पड़ता है थोड़ा सा, आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। उसके बाद आप गायत्री तपोवन घूम सकते हैं और उसका भी कोई टिकट नहीं है, और आप वहाँ पर
फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन भी कर सकते हैं और आपको रहने की भी सुविधा वहाँ पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए तो आप आइए, घूमिए, और अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिए जो हरिद्वार घूमने का प्लान बना रहे हैं। आप आ सकते हैं, कोई महंगा नहीं है, कोई You don't know how you say you were taking on water, y'all were sinking now. You're looking all concerned.